नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सम्राट जानकर, एडवांस लैप्रोस्कोपिक कोलोरेक्टल जीआई सर्जन, काइजन गैस्ट्रो केयर पुणे। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर हजार बीमारियों की जड़ है, इसे इग्नोर नहीं। जो राजू श्रीवास्तव साहब बोलते हैं वो सही बात है, उन्होंने 100% बहुत सही बात की है। कब्जियत एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसको लोग बहुत सारा हंसी मजाक में लेते हैं, और बहुत सारे लोग हमें कब्जियत है ये बोलने में भी शर्मिंदगी जताते हैं। कब्जियत एक समस्या है, लेकिन ये बुनियादी सभी कोलोरेक्टल बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, पाइल्स, फिशर, फिशुला, रेक्टल प्रोलैप्स, डायवर्टिकुलोसिस और कोलोरेक्टल कैंसर की जड़ है। कब्जियत हमें समझनी जरूरी है। हमें अगर कब्जियत है तो उसके जड़ को जाना भी जरूरी है। क्या सभी कब्जियत में कोई चूर्ण या कोई मेडिकेशन या दवाई गोली काम करती है? ऐसा नहीं है। लगभग 10 में से 5 से 6 ऐसे कब्जियत की बीमारी की मरीज हैं। लाइफ टाइम कब्जियत के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाई खाते रहते हैं, लेकिन उनको कभी आराम नहीं होता है। इसी के बारे में एक कब्जियत की टाइप है जिसको बोला जाता है डिसएनर्जिक डिफिकेशन या पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्टिव डिफिकेशन सिंड्रोम, उसी के बारे में इस वीडियो के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। डिसएनर्जिक डिफिकेशन समझने के लिए हमें नॉर्मल डेफिकेशन प्रोसेस समझना जरूरी है। नॉर्मल, जिसमें नॉर्मली हम डेली मोशन करते हैं, वो एक्चुअल में कैसे होता है ये हम समझेंगे तो शायद डिसएनर्जिक डेफिकेशन समझने में हमें हेल्पफुल हो जाए। नॉर्मल मोशन के वक्त में जैसे ही ये हमारा मलाशय है और ये हमारा गुदाशय है यानी रेक्टम यानस, जब भी हमें मल पूरे बॉडी में से बड़ी आंत से होके मलाशय में आके जम जाती है, तभी एक सेंस ऑफ प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ से कुछ सिग्नल हमारे ब्रेन तक एक सेंसेशन देते हैं कि हमें अभी मल पास करना है। जब भी हम टॉयलेट के ऊपर मल पास करने के लिए बैठते हैं, उस वक्त में ब्रेन से कुछ सिग्नल आते हैं। उनमें कुछ सिग्नल मलाशय के लिए रहते हैं, कुछ सिग्नल एनस के लिए रहते हैं। जो सिग्नल मलाशय में रहते हैं उनमें जो भी स्नायु है उनको कॉन्ट्रैक्शन करने के सिग्नल होते हैं, जिसके वजह से पूरी तरीके से प्रेशर बनता है। और कुछ सिग्नल गुदाशय के लिए होते हैं, जहाँ पे एनल मसल, जो एनल के स्नायु है, उन्हें रिलैक्स किया जाता है, जिन वजह से ऑटोमेटिकली मल रेक्टम यानी गुदाशय मलाशय से होकर एक्सक्रीट हो जाता है। डिसएनर्जिक डेफिकेशन में यही कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाती है, जहाँ पे रेक्टम के मसल जो है अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मलाशय के मसल अच्छा प्रेशर क्रिएट करते हैं, लेकिन गुदाशय के मसल रिलैक्स नहीं होते हैं, या गुदाशय के मसल कंप्लीट रिलैक्स हो जाते हैं लेकिन मलाशय के मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनता या प्रेशर नहीं बनता, जिस वजह से मोशन या डिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता। डिसएनर्जिक डिफिकेशन में मरीज को काफ़ी सिम्टम रहते हैं। उनमें मरीज को मोशन के लिए वक्त ज़्यादा लगता है, मोशन आए जैसा फीलिंग होता है लेकिन कंप्लीट इवैक्यूएशन नहीं होता है, जिसके वजह से बार बार जाना पड़ता है, हार्ड मोशन हो सकता है, या मरीज को मोशन नहीं हो रहा है या मोशन अटक गया है, इस वजह से कहीं पे पेट पे प्रेशर देने या उंगली से मोशन निकालने की जरूरत हो सकती है। डिसएनर्जिक डेफिकेशन प्रेगनेंसी के वजह से, चाइल्ड बर्थ के वजह से, कोई पेरिएनल सर्जरी के वजह से, या कोई पेरिएनल इंजरी के वजह से, या कई बार कोई अननोन रीजन की वजह से बन सकता है। जब भी डिसएनर्जिक डेफिकेशन होता है, कोई भी रीजन हो, उनमें आपका पेट एब्डोमिन वॉल का स्नायु, आपका मलाशय का स्नायु और गुदाशय के स्नायु और जेतातंतु, इनमें कोऑर्डिनेशन की खराबी हो जाती है, जिस वजह से आप कब्जियत ये डिसएनर्जिक डेफिकेशन से सफर कर रहे हो। डिसएनर्जिक डेफिकेशन अगर आपको है ये पता नहीं है तो आप बहुत सारा पैसा, मोशन फ्री होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ होना चाहिए, उस लिए चूर्ण लेने में
या कोई भी दवाई लेने में, कोई जड़ी बूटी लेने में, कोई लैक्सिटिव लेने में आप वेस्ट कर रहे हो और उसी के साथ में आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है। क्या कब्जियत एक बहुत सीरियस बीमारी है? ऐसे नहीं, कब्जियत एक साधारण बीमारी है, लेकिन किन पेशेंट में कब्जियत की वजह से सीरियस बीमारी बन सकती है? ये सीरियस बीमारी से भी सीरियस है क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो रही है, आपका रूटीन बिगड़ रहा है और आपका रूटीन सेट ही नहीं हो पा रहा है। एक लगभग ये देखा गया है 10 में से 3 से 6 मरीज में डिससिनर्जिक डेफिकेशन होता है, जिनमें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत होता है, जिनमें लॉन्ग टर्म में मेडिकेशन लेने की जरूरत होती है, जिनमें मेडिकेशन के वजह से इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, उनमें डिससिनर्जिक डेफिकेशन 10 में से 3 कम से कम या ज़्यादा ज़्यादा 6 पेशेंट में डिससिनर्जिक डेफिकेशन पाया जाता है। डिससिनर्जिक डेफिकेशन लेके आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या कोलोरेक्टल सर्जन के पास जाने के बाद में डॉक्टर आपको कुछ चीज़ें पूछते हैं, उनमें आपको कब्जियत यानी किस तरीके है, आपको डेली मोशन का फीलिंग नहीं आता है या बार बार मोशन जाना पड़ता है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होता है, मोशन के लिए बहुत जोर देना पड़ता है, मोशन के लिए बहुत वक्त तक टॉयलेट में बैठने की ज़रूरत होती है, मोशन होने के बाद इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग हो सकती है या मोशन जाके बैठने के बाद में आपको फील ऑफ ब्लॉकेज यानी अंदर अटक गया है, बाहर नहीं निकल रहा है, ऐसी फीलिंग हो सकती है। कुछ मरीजों में पेट के ऊपर प्रेशर देना या उंगली से मोशन निकालने की जरूरत हो सकती है या डिपेंडेंट, लैक्सिटिव डिपेंडेंट या कोई दवाई के ऊपर डिपेंडेंट ऐसा भी हो सकता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद में वो आपका प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, कुछ फिजिकल टेस्ट करते हैं, कुछ पेरिएनल एग्जामिनेशन करते हैं, प्रायर सर्जरी है, क्रोनिक डायबिटीज़ है, थायराइड प्रॉब्लम है, पैराथायराइड प्रॉब्लम है या कुछ डायबिटीज़ के और बीपी के दवाई होंगे, उनकी भी चेकिंग की जाती है। इन सब के बाद में कभी फिजिकल एग्जामिनेशन, जो बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करके आपका पेरिएनल रीजन में कोई दिक्कत है क्या, वो भी देखा जाता है। आपके डॉक्टर, कोलोरेक्टल सर्जन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अगर बेसिक टेस्ट इवैल्यूएशन नॉर्मल होंगे तो उस वक्त में कोलोनोस्कोपी बोला करने के लिए बोला जाता है। कोलोनोस्कोपी एक ट्यूब टेस्ट है, उसके टिप पे कुछ कैमरा और लाइट्स रहते हैं जिनमें आपका जो गुदाशय, मलाशय और बड़ी आंत का पूरा पोर्शन, कुछ हद तक छोटी आंत का भी पोर्शन देखा जाता है। इसमें 20 टाइप मैग्नीट्यूड व्यू होने की वजह से आपका अगर कोई बड़ी आंत में गिठन है, कोई स्ट्रक्चर है, वो पता चलता। डिससिनर्जिक डेफिकेशन में एनल मैनोमेट्री नाम का एक अत्याधुनिक टेस्ट किया जाता है जो कि डिससिनर्जिक डेफिकेशन को सबसे इम्पॉर्टेंट तरीके से डायग्नोस किया जाता है। एनल मैनोमेट्री में एक छोटा सा पेंसिल जैसा ट्यूब रहता है जो कि आपके मलाशय और गुदाशय में जिस तरीके से रखा जाता है, जो आपके मलाशय में जो प्रेशर जनरेट होता है उसको मेजर करती है। उसी वक्त में जब आपका गुदाशय यानी एनल रीजन के मसल का रिलैक्सेशन होता है, उस प्रेशर को मेजर किया जाता है, उसे आपके मॉनिटर, जो डॉक्टर के मॉनिटर है, उसमें देखा जा सकता है, जिससे आपका कौन सा टाइप ऑफ डिससिनर्जिक डेफिकेशन है, डिससिनर्जिक डेफिकेशन है या नहीं है, ये प्रॉपरली डायग्नोस किया जा सकता है। बलून एक्सपल्शन टेस्ट ये एनल मैनोमेट्री का ही एक पार्ट है जिसमें आपके मलाशय में, रेक्टम में एक बलून इन्फ्लेट किया जाता है और आपको जो मोशन करने की प्रक्रिया है करने के लिए बोला जाता है, जिनमें आपको कितने प्रेशर के बाद में बलून एक्सपेल होता है। अगर एक मिनट में बलून एक्सपेल नहीं होता है तो उसे बलून एक्सपल्शन टेस्ट नेगेटिव बोला जाता है, वो एक डिससिनर्जिक डेफिकेशन के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट माना जाता है। इन टेस्ट के अलावा और दो इम्पॉर्टेंट टेस्ट किए जाता है, एक है एमआरआई डिफेकोग्राफी। एमआरआई डिफेकोग्राफी में आपको एक बेरियम नाम का एक पेस्ट रहता है, आपके एनल कैनाल में पुश किया जाता है, पुश करने के बाद में आपको उसे पास करने के लिए बोलते हैं, जो पास करते वक्त में एमआरआई इमेजेस लिए जाते हैं जिनमें आपका प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन, जिस तरीके से आप पुश कर रहे हो उस वक्त में एनल मसल रिलैक्सेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, पेस्ट आ रहा है बाहर या अटक के बैठ रहा है, उसी वक्त में
जो रेक्टम है उसका बलूनिंग हो रहा है क्या, जिसको रेक्टोसील किया जाता कहा जाता है, या जो रेक्टम है मलाशय है वहीं पे फोल्ड होकर अंदर ही अटक रहा है, जो ब्लॉकेज कर रहा है उसको इंट्रोससेप्शन बोला जाता है, या रेक्टम पूरी तरीके से बाहर आ रहा है उसको रेक्टोसील या रेक्टल प्रोलैप्स कहा जाता है। ये सभी चीज़ें उसी के साथ में आपका जो भी फ्लोर ऑफ द पेरिनियम है, जिसको हम बोलते हैं मसल्स जो बोलते हैं, उसी के ऊपर मलाशय है, उसी के ऊपर यूरिनरी ब्लैडर रुका है, वो वहीं पे रुकता है या नीचे सैग होता है, ये सभी चीज़ें एमआर डिफिकोग्राम में पता चलता है। आखिरी और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है डिफिकेशन डिसिनेजिया में, जिसको बोला जाता है कोलॉन ट्रांजिट स्टडी। इसमें हर एक जगह पे अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। काइजन गैस्ट्रो में हम पेशेंट को अगले पहले दिन शाम में 4 गोलियां, दूसरे दिन 3 गोलियां, शाम में और 3 गोलियां, उसके बाद में 2 दिन एक्सरे निकाल के देखते हैं, जिनमें ये हमें डिटरमाइन करने के लिए इजी हो जाता है कि आपके कोलॉन में कितने गोलियां रह गए हैं और आपका कोलॉन का कितना स्पीड है और कहाँ पे आके कलेक्ट किए, उसके ऊपर में आपको कॉन्स्टिपेशन स्लो ट्रांजिट है या डिसनर्जिक डिफिकेशन है वो पता चलता है। डिसनर्जिक डिफिकेशन में जो हमने पहले ही बोला, इस कंडीशन में कोई भी मेडिकेशन यानी लैक्सेटिव है, टैबलेट्स है, कोई चूर्ण है, कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए वर्क नहीं करती। इन सभी प्रॉब्लम के लिए डिसनर्जिक डिफिकेशन या ऑब्स्ट्रक्टिव डिफिकेशन सिंड्रोम ये पेल्विक फ्लोर कोऑर्डिनेशन यानी मलाशय गुदाशय के स्नायु का इनकोऑर्डिनेशन है, इनमें कोई भी टैबलेट काम नहीं करती। इन सभी का ट्रीटमेंट कई साल पहले नहीं था, अभी एक बायोफीडबैक फॉर कॉन्स्टिपेशन या बायोफीडबैक फॉर पेल्विक फ्लोर थेरेपी बोल के एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उस ट्रीटमेंट में जो थेरेपिस्ट है, जो डॉक्टर है, आपको आपका जो प्रॉब्लम है वो दिखाते हैं ग्राफ के जरिए या आपके मॉनिटर के जरिए दिखाया जाता है, जिन वजह से आपको पहले आपका प्रॉब्लम अभी तक पता नहीं था तो आपको एनल मैनोमेट्री करने के बाद में प्रॉब्लम पता चलता है। बायोफीडबैक थेरेपी में आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए एक्चुअल में आपको डिफिकेशन कैसा करना चाहिए वो सिखाया जाता है। बायोफीडबैक कम से कम 30-60 मिनट, जो ऑथेंटिक बायोफीडबैक है 30-60 मिनट का एक सेशन रहता है। ऐसे लगभग मिनिमम 6-8 सेशन के बाद में जो क्लासिकल डिसनर्जिक डिफिकेशन है उनमें 90-95% तक इम्प्रूवमेंट आने की संभावना रहती है। बायोफीडबैक ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है या कोई साइड इफेक्ट वाली मेडिकेशन नहीं है, ये सिर्फ आपका ब्रेन और मसल जो आपके स्नायु है उनका और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन सिखाना है। जो आप देखोगे, आपका कोऑर्डिनेशन समझोगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और कुछ पेशेंट में इन बायोफीडबैक के थेरेपी से भी इम्प्रूवमेंट ना आए, कभी कभी 6-12 सेशन होने के बाद में भी बायोफीडबैक में इम्प्रूवमेंट ना आए, उन कंडीशन में अगर डिसनर्जिक डिफिकेशन है तो 2 ही ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, बटॉक्स इंजेक्शन या लास्ट में कहा जाता है सर्जरी। लेकिन ये दोनों भी ट्रीटमेंट बहुत वैलिड एट प्रेजेंट नहीं है। आपको ये जानकारी अगर वैल्यूएबल लगती है और आपको इससे कुछ फ़ायदा होती है तो ये वीडियो दूसरे आपके जो भी फ्रेंड्स है या फैमिली मेम्बर है उन्हें शेयर करिए, और हमारा गट फिट क्लब ये चैनल शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।